नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनसे जुड़े कुछ राजनीतिक पहलुओं पे। जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में उनके विरोधी कहते आए हैं कि वे अपने सियासी दुश्मनों को किनारा लगाने में बहुत माहिर हैं। नीतीश समय देखकर अपने विरोधियों को शांत कर देते हैं। कभी उनके खिलाफ झंडा बुलंद करने वाले नेताओं ने बीजेपी का दामन तो थाम लिया और बड़े नेता भी बन गए, लेकिन जब फिर से नीतीश की एनडीए में एंट्री हुई तो बीजेपी नेतृत्व तो उनके सामने घुटने टेकती नजर आई। अपने बागियों को टिकट के लिए न सिर्फ तरसा दिया बल्कि बीजेपी से भी बगावत करने के लिए मजबूर कर दिया है। अब हम बात करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता दिग्विजय सिंह की पत्नी पुतुल देवी, साथ ही सम्राट चौधरी, नीतीश मिश्रा और रेणु कुशवाहा जो कभी जेडीयू में हुआ करते थे, इनमें से अधिकतर आगामी लोकसभा में टिकट के दावेदार थे। पुतुल देवी बांका से तो सम्राट चौधरी खगड़िया से चुनाव लड़ने के लिए एकदम ताल ठोक रहे थे। इन नेताओं ने पार्टी के नेतृत्व के इशारे पर तैयारी भी शुरू कर दी थी और लगातार जनसंपर्क में लगे हुए थे। ऐसे में जब इन नेताओं की दावेदारी के बावजूद भी बीजेपी से इन्हें टिकट नहीं मिला तो चर्चा यह जोर पकड़ने लगी है कि नीतीश कुमार ने उनसे पुराना हिसाब बराबर कर लिया है। टिकट न मिलने पर सम्राट चौधरी और नीतीश मिश्रा तो फिलहाल शांत हैं, लेकिन पुतुल सिंह आक्रामक है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो बांका से निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। इन घटनाओं के बीच सियासी गलियारों में चर्चा चल पड़ी है कि नीतीश इन नेताओं से पुराना बदला ले रहे हैं। दरअसल राजद छोड़ने के बाद पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश का दामन थामा था और नगर आवास मंत्रालय भी संभाली थी, लेकिन सम्राट चौधरी के बाद में उन्होंने बगावत कर ली थी जेडीयू से। ऐसा ही हाल नीतीश मिश्रा और रेणु कुशवाहा का है। और रेणु कुशवाहा ने अपने पति को पिछले लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर नाराज होकर मंत्री पद छोड़ दिया था और बीजेपी में शामिल हो गई थी। इन नेताओं की जहां जहां से दावेदारी थी वो तमाम सीटें या तो जेडीयू के हिस्से में गई है या एलजेपी के हिस्से में। नीतीश ने इन सीटों को अपने पास रखने में कामयाबी पाई है, साथ ही बीजेपी के जातिगत समीकरण को भी तहस नहस कर दिया है। ऐसे में बीजेपी के लिए बगावत कहीं ना सुर न बन जाए, भले ही ये नेता कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन समर्थक नीतीश और सुशील मोदी के खिलाफ भड़ास उतारने में लगे हैं। सम्राट चौधरी जिस बिरादरी से आते हैं उनके कई बड़े दिग्गज नेताओं ने बीजेपी को ओबीसी विरोधी बताते हुए पार्टी छोड़ दी है, जिसमें बांका से श्रीधर मंडल और गया के वरिष्ठ नेता अजय कुशवाहा का नाम शामिल है। पूर्व मंत्री बसावन भगत ने भी सीएम नीतीश के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। बसावन भगत ने इसके साथ ही सीएम पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। टिकट कटने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने भी इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर जेडीयू को बना दिया था। उन्होंने अपना दर्द सोशल मीडिया के जरिए जाहिर भी की थी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को नवादा से बेगूसराय भेज दिया गया, जिससे वो खासे नाराज है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि उनको मनचाहा सीट नहीं मिला तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। दरअसल मुंगेर सीट लोजपा से जेडीयू ने ली, जिसके बदले में नवादा सीट लोजपा को मिली और गिरिराज को अपनी सीटिंग सीट तिलांजलि देनी पड़ी है। मुंगेर, नवादा और बेगूसराय भूमिहारों का गढ़ माना जाता है। ऐसे में बलिया लोकसभा से लोजपा उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में उनकी पत्नी को नवादा के बदले बेगूसराय भेजा जा सकता था, लेकिन गिरिराज सिंह के सीटिंग सीट पर भेजकर सीएम ने गिरिराज के साथ अपना पुराना हिसाब किताब पूरा कर लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह नीतीश के सबसे बड़े आलोचकों में से एक माने जाते हैं। गठबंधन टूटने के बाद नीतीश पर सबसे ज़्यादा हमलावर केंद्रीय मंत्री ही रहते थे। ऐसे में बड़ी जोरों से चर्चा है कि क्या वाकई सीएम नीतीश कुमार ने अपने सियासी दुश्मनों से हिसाब किताब बराबर कर लिया है।
मसलन पुतुल देवी स्वाभाविक तौर पर बांका से बीजेपी की दावेदार थी, पहले भी वो सांसद रह चुकी है, मगर इस बार सीट शेयरिंग के तहत ये सीट जेडीयू के खाते में गई है। वहाँ से गिरधारी यादव कैंडिडेट बनाए गए हैं, वहीं नीतीश मिश्रा की तैयारी झांझरपुर में थी, लेकिन ये सीट भी जेडीयू ने झटक ली, जबकि सम्राट चौधरी की नज़र खगड़िया पर थी जो एलजेपी के हिस्से में चली गई। हालांकि बीजेपी नेता सम्राट चौधरी कहते हैं कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है, बीजेपी में काम करने का मौका मिला यही बहुत है। यहाँ तक कि सवाल नीतीश कुमार का है तो बीजेपी में उनका दखल नहीं हो सकता। इस पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपने दुश्मनों से ऐसे ही बदला लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने ही उन्हें मंत्री नहीं बनने दिया। वे जोर देकर कहते हैं कि सीएम ने ही नीतीश मिश्रा, सम्राट चौधरी, हुकुम सिंह और रेणु कुशवाहा का टिकट नहीं मिलने दिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।